मरने का ये ढोंग रचकर मुझसे सत्य बुलवा ही लिया ना, वो सत्य जो मैं हृदय में छुपाए बैठी थी। हाँ, मुझे ये ढोंग रचना पड़ा माँ, किंतु आपसे ये मनवाने के लिए नहीं कि आप मेरी माँ हैं, बल्कि आपसे उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करवाने के लिए भी जो पूरा स्वप्न बनकर मुझे आतंकित करते आ रहे हैं। इतने वर्षों से मैं इसी घृणा और द्वेष की आग में जलता रहा कि मैं ही एक अभागा बालक हूं जिसे उसकी अपनी मां ने उसे संसार में अकेला छोड़ दिया। काश कि मुझे ज्ञात होता कि जिससे मैं बचपन से इतनी घृणा करता आ रहा हूं वो तो प्रेम, ममता और त्याग की जीती जागती प्रतिमा है। काश कि मुझे ज्ञात होता कि आपको मेरे क्रोध की नहीं प्रेम की आवश्यकता थी। काश कि मुझे ज्ञात होता कि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता थी, कि उस दुष्ट धनानंद की क्रूरता से आपको मुक्ति की आवश्यकता थी। क्यों माँ, क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? क्यों मुझे स्वयं से दूर रखा आपने? क्यों माँ, क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं था कि तुम मेरे साथ जियो चंद्र, महत्वपूर्ण ये था कि तुम जियो। यदि तुम्हारा और मेरा संबंध संसार के सामने आ जाता तो धनानंद तुम्हें जीवित नहीं रखता, हत्या कर देता वो तुम्हारी। वीरभद्र की भांति देख, देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया, तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। धनानंद तुम्हें उसी रात मार डालना चाहता था जिस रात उसने पीपली वन पर आक्रमण किया था। 12 वर्ष पूर्व उस रात का अंधकार आज तक मेरे मन पर भारी है चंद्र। 12 वर्षों तक धनानंद से मैंने ये सत्य छुपा कर रखा था कि मेरा पुत्र जीवित है, किंतु उसे हमारे रिश्ते पर संदेह होने लगा था। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। उस संदेह को दूर करने के लिए, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए आचार्य चाणक्य के निर्देश पर मैंने वीरभद्र का बलिदान हो जाने दिया। मैं तुम्हारे पास आती, तुम्हें सत्य बताती तो इतने वर्षों से दबी तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं वो तुम धनानंद के सामने व्यक्त कर देते, तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते, वीरभद्र का बलिदान व्यर्थ चला जाता और मेरी वर्षों की तपस्या भी विफल हो जाती। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। किंतु मां, पिपलीवन की महारानी एक साहसी क्षत्राणी इतनी विवश कैसे हो सकती है? मुझे अपने अतीत के विषय में सब कुछ जानना है माँ, मुझे बताइए माँ। वर्षों से मैं भी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम्हें हमारे अतीत के बारे में सब कुछ बता दूं। बारह वर्ष पूर्व
हमारा घर, हमारा राज्य पीपली वन क्षत्रिय साम्राज्य का एकमात्र राज्य था जिसे नंद अपने अधीन नहीं कर पाए थे। पीपली वन केवल क्षत्रियों के गौरव का कारण नहीं था बल्कि मगध की चिंता का कारण भी था।